सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए रेड बटन को प्रेस करके और उसके साथ जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस करें जिससे आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने घर के पंखों को बहुत ही आसानी से किस तरह से क्लीन कर सकते हैं बिना किसी स्टूल बिना किसी सीढ़ी के। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक हैंगर है, जो पतले वाले हैंगर होते हैं वो मैंने यूज़ किया है। आप किसी आपके पास अगर मोटा वाला हैंगर है तो आप उसको थोड़ा सा प्लास की हेल्प से उसे इस तरह से सीधा कर लें सामने से। ये जो इसका वायर होता है, या आपके पास कोई वायर पड़ा हो लोहे का पतला वाला तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो ये मैंने सीधा कर लिया है ऊपर से और इसमें मैं एक पुराना कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पास एक पुरानी शॉल कपड़ा है, मोटा कपड़ा थोड़ा सा आपको यूज़ करना है। आप कोई कॉटन का बेडशीट का कपड़ा ले सकते हैं या कोई आप टी शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं, टॉवल का ले सकते हैं। तो इस तरह का कोई कपड़ा आप मोटा कपड़ा यूज़ करें जिससे ये अपनी जगह पे अच्छे से लपेट लें इसको इस तरह से और अपनी जगह से ये हिले ना। तो इसको मैं ऐसे लपेट रही हूँ और उसके बाद मैं इसको सुई धागे से थोड़ा सा टक कर दूँगी, सिल दूँगी जिससे ये निकलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसे बना लेंगे। कोई पतली वायर जो होती है वो ले सकते हैं आप, और या हैंगर तो सभी के घरों में होते हैं। ये पतले वाले हैंगर तो बहुत ही कम रेट पे मिलते हैं, इस तरह के हैंगर तो हमारे घर में पड़े ही रहते हैं, हम लोग यूज़ भी नहीं करते कभी कभी इनको। तो इस तरह के हैंगर से आप एक इक्विपमेंट बनाएं इस तरह का और उसे आप बना के रखें। जब आपका दिल करे आप अपने घर के पंखों को साफ़ करें और अपने घर के पंखों को आप हमेशा चमका के रखें। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें अगर पंखे को क्लीन करना है तो स्टूल चाहिए सीढ़ी चाहिए या किस तरह से करें, आप आसानी से अपने घर के पंखों को क्लीन कर पाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको लपेट लिया है और अभी मैं इसे सुई धागे की हेल्प से सिल दूंगी थोड़ा सा जिससे ये निकले ना। इसे हम इस तरह से बनाएंगे कि इसे हम लॉन्ग लास्टिक यूज़ कर सकें। तो इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से इसकी सिलाई कर दें अगर आप इसे बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं तो। ये देखिए और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस करें, घंटी का निशान जो होता है, उससे क्या होगा कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे आने वाले वीडियोस को देख सकेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे सिल लिया है और ये मज़बूत बन गया है काफ़ी। ये देखिए ये हमारी इक्विपमेंट बन के रेडी हो गया है। अब मेरे पास ये एक रॉड है इस तरह का, आप कोई लकड़ी का डंडा ले सकते हैं इसकी जगह पे, या ये वाइपर होता है इसे इसकी स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये जो मेरे पास रॉड है इसका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी लंबा इस तरह का रॉड हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप आराम से अपने पंखे को साफ़ कर सकें, या आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे आपका फ़ैन जो है आपके बेड के ऊपर है तो आप बेड पे चढ़ के भी आप आराम से इस तरह के रॉड में इसके लगा के और साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आपका जो फ़ैन आपके बेड के ऊपर है तो बेड से चढ़ के आप इजीली उसे साफ़ कर लेंगे, तो उसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अगर आप नीचे खड़े होकर इसको पंखे को साफ़ करेंगे तो इसकी लंबाई थोड़ी सी आपको बढ़ा देनी है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम बांध देंगे जिससे ये हिले ना अपनी जगह से। ये मैंने एक इसको क्या कहते हैं, एक धागा होता है जूट का, इससे आप इसे बांध सकते हैं या आप कोई भी रस्सी ले सकते हैं इसे बांधने के लिए।
और आपके पास कुछ नहीं है इसे बांधने के लिए, तो आप इसे टेप से भी, टेप जो सेलो टेप आता है उसकी हेल्प से भी चिपका के अच्छी तरह से कवर कर दें। ये मैंने बांध दिया है, अब इसको मैं ऊपर से सेलो टेप से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी, जिससे ये हिले ना अपनी जगह से और अच्छी तरह से हम पंखे को क्लीन कर पाएँ। इस तरह से कवर करें इसे टेप से कि आप ये जो रॉड है अपनी जगह से हिले ना, और बहुत अच्छे टाइटली इसको कवर कर दें। अगर ये क्लीन करते हुए हिलेगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको अच्छे से टाइटली कवर करके और अच्छे से नॉट लगा दें, अच्छे से चिपका दें इसे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है और ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, और ये हमारी एक इक्विपमेंट बन के रेडी हो गया है पंखे को साफ़ करने के लिए। बिल्कुल वाइपर की तरह लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक बाल्टी में पानी लेंगे और इस तरह से इसे भिगोकर गीला कर लेंगे। और इसको इस तरह से निचोड़ देंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे। देखिए इस तरह से इसका सारा पानी आप दोनों हाथों से निचोड़ दें। इस तरह से बिल्कुल इसका सारा पानी आप निचोड़ दें, हल्का सा ड्राई ड्राई से इसको कर लें। और उसके बाद हम इसे पंखे को क्लीन करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे और उसके बाद हम पंखे की क्लीनिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने ये आयरन रॉड का यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना, अगर आयरन रॉड आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, आप रबड़ की चप्पल पहन के ही क्लीन करें। और अगर आप आयरन रॉड की जगह पे कोई लकड़ी का डंडा वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप रबड़ की चप्पल पहन के ही पंखे को क्लीन करें। तो ये रेडी हो गया है, इसको मैंने निचोड़ दिया है अच्छे से। अब हम इसे पंखे को क्लीन करेंगे, इस तरह से इसे उठाएंगे और आप रबड़ की चप्पल डालें पैर में और इससे पंखे को क्लीन करना शुरू कर दें। तो ये देखिए इस तरह से आप इसे क्लीन करेंगे। ये देखिए ऊपर जितना भी गंध होगा, जितनी भी गंदगी होगी वो सारी इसके ऊपर आ जाएगी और नीचे से भी ये क्लीन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर कितनी गंदगी थी और वो ऊपर से सारी गंदगी आ चुकी है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम तीनों पंखुड़ियों को साफ करेंगे। और ये बहुत ही इजी मेथड है पंखे को साफ करने के लिए। रॉड की जो लंबाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें, अगर आपका जो फैन है वो अगर आप बेड के ऊपर है तो आप बेड पे चढ़ के भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं, इतना ही लंबाई काफ़ी है। मेरा फ़ैन जो है बेड के ऊपर है तो मेरे पास इतना लंबी रॉड काफ़ी है मेरे लिए। और इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे तो आप नीचे खड़े होकर भी आप कैसे भी इसे पंखे को क्लीन कर सकते हैं।
तो ये देखिए कितनी गंदगी निकाली है मैंने ऊपर से। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है पंखे को क्लीन करने का। आप घर में इस तरह का इक्विपमेंट बनाइए और अपने पंखों को क्लीन कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।